नमस्कार, होम होम चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी सूजी और आटे से टेस्टी नाश्ता मूंगफली की चटनी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने सूजी ली है 1 चमचा और ये पिसी हुई सूजी है 1 चमचा। सूजी मेरी मोटी है इसीलिए मैंने आधी सूजी को मिक्सी में पीस लिया है। आपकी सूजी बारीक हो तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। इसमें डालूंगी मैं दही। ये फेंटी हुई दही है और ये खट्टी दही है। दही खट्टी ही होनी चाहिए। ये है नमक 1 छोटी चम्मच। और इसमें डाल दिया है मैंने पानी। पानी धीरे धीरे ही डालेंगे कंसिस्टेंसी चेक करते हुए। इसे घोल लेंगे अच्छे से। ये और पानी डाल दिया है मैंने इसमें। अभी इसे घोलेंगे अच्छे से। घोलते समय इतना ध्यान रखें बैटर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में घोलें। ये मैंने रखी है कढ़ाई। इसमें डाला है 1 बड़ी चम्मच ऑयल और ये मैंने डाले हैं राई के दाने। अब इसमें हम अपने बैटर को डाल देंगे। गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसे चलाते रहेंगे। बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है। अब गैस कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक ये ठंडा होता है हम बनाते हैं चटनी। ये मूंगफली है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और 2 लाल मिर्ची डाली है मैंने इसमें सूखी और ये 8 से 10 करी पत्ते हैं। ये नमक डाला है 1 छोटी चम्मच और ये है हींग 1 पिंच। और ये अमचूर पाउडर है 1/2 चम्मच। ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच। और ये फेंटी हुई दही है 1 बड़ी चम्मच। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें लगाते हैं तड़का। 1 छोटी चम्मच ऑयल लिया है मैंने। इसमें डालेंगे राई के दाने। और ये करी पत्ता। मूंगफली की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इडली डोसा वगैरह आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब बनाते हैं हम फिलिंग। ये 2 आलू हैं उबले हुए, ये मटर है, ये 1 प्याज है और ये थोड़ा सा पनीर है। ये ऑयल डाल दिया 1 बड़ी चम्मच। इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाला है और ये डाल दिया प्याज। इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। ये डाल दिया मटर, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट से डालें, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये डाल दिया आलू। और सबसे बाद में डाला है मैंने पनीर और अच्छे से बना लेंगे इसे। 2 मिनट पकाएंगे इसे। फिलिंग हमारी बनकर रेडी हो गई है। और ये मैंने 1 चमचा आटा लिया है जो हमने सूजी का बनाया था डो, उसमें से मिला लेंगे। मैंने तवे पर लगा दिया है ऑयल
हाथ में लिया थोड़ा सा ऑयल, हिलोई बनाएंगे। इसे बहुत ही हल्के हाथ से ऐसे ही बढ़ाएंगे। आप चाहें तो लोई को तवे पर रख के हाथ से धीरे धीरे फैला सकते हैं, वो भी बन जाएगा। इसे थोड़ा ध्यान से ही पलटना है। थोड़ा थोड़ा घी लगाकर इसको सेक देंगे। ये दोनों साइड से सिक चुका है, अब हम इसमें इसकी फिलिंग डालते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है नाश्ता खाने में। इसे निकालने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, सब्जी गिरने का डर रहता है, तो इस तरह से प्लेट लगाकर निकाल लें जैसे मैंने निकाला है। नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।